क्या हाल चाल भाई? काम करो कि नहीं कर रहे हो? आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। पहला हो गया, आप किसी चीज को आपने लाइफ में सीरियसली लिया है, ठीक है, तो थोड़ी सी तो एक स्ट्रेस आप अंदर आएगा जब आप देखोगे कि अगर मैंने क्लॉक सेट करी है किस हिसाब से मैं काम करूंगा, वो नहीं कर रहे हो, तो आप एक अंदर आता है यार ये क्या कर रहा है। ये तो मैनेजेबल स्ट्रेस भी है, इसमें आप परेशान नहीं जा रहे हो, आप मर नहीं जा रहे हो, दिमाग आपका फटने जा रहा। दूसरे तरह का होता है जब आप विलिंगली कोई भी चीज इग्नोर करते हो, तो इसको मैं चीज बताता हूं। यहां पे स्ट्रेस स्टार्ट होता है 1% से। आपको लाइफ में कोई बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, कोई परेशानी है, रिलेशनशिप से लेके आप करियर पूरे स्पेक्ट्रम में जोड़ो दोस्त को, ठीक है, तो भी कोई हल्की सी चीज गलत लग रही है, हो सकता है अपने अंदर लग रही, हो सकता है रिलेशनशिप तो किसी और इंसान से लग रही, हो सकता है आप अगर काम कर रहे हो और तुम्हें कुछ करना था और तुम्हें नहीं किया और तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम टाइम वेस्ट करते यार, एक हफ्ता हो गया तो तुम्हें हल्का सा लग रहा है अंदर ही अंदर। ये 1% आया है वो कि दोस्त यू नो ये एंग्जाइटी की तरह तुम्हें हल्की सी लगती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन तुम उसको इग्नोर करते जाते हो। ये वो स्ट्रेस है जिसे तुम्हें एड्रेस करना है जल्द से जल्द, बट ये एज टाइम गोज ऑन ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। 6 महीने जब हो जाते हैं, जब आपको पता है ये चीज नहीं होने वाली, ये चीज हाथ से निकल गई, चीज का सोल्यूशन मेरे को निकाल देना चाहिए था बहुत पहले, तब ये स्ट्रेस लेवल 1% जो था, जो आपको वहीं पे इसको क्रश कर देना चाहिए था, आज 50% पे पहुंच चुका होता। फिर आप सडनली क्या करते हो, यूट्यूब पे बैठते हो, लोगों से पूछना स्टार्ट करते हो, स्ट्रेस की कोई वो दो या मेडिसिन दो या मुझे ये दो या मेरे को बड़ा एंग्जाइटी है। प्रॉब्लम यही है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं है, हमें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब 1% कोई चीज है उसको एड्रेस करो, क्योंकि वो 1% खत्म नहीं जाएगा अगर मैं इधर से मोड़ लूंगा उसका, तो वो बड़ी होगी। मेरे एक्शंस अगर चेंज नहीं हो रहे, जो चीज ये कॉज कर रही है उसको खत्म करने के लिए, तो दोस्त जो एक्शंस मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से चीज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो एक्शंस उस चीज को और बढ़ाएंगे ना यार। एक्शंस तो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब अगर तुम काम तबाही की तरफ कर रहे हो, तो तबाही ऐसा रिजल्ट क्रिएट होगी। तीसरा आ गया अननेसेसरी स्ट्रेस, जहां पे आप रख लो कि आप सराउंडेड हो ऐसे लोगों से जो आपको बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से स्ट्रेस देते हैं। समझ लो जैसे रिलेशनशिप है तुम्हारी, जिनसे तुम इजिली डिटैच कर सकते हो, बट आप किसी ना किसी वजह से वहां पे हो और आपको वो जो बोलते हैं उनके शब्दों से, उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से आपको स्ट्रेस होता है, दिमाग खराब होता है। ये अननेसेसरी इसलिए है क्योंकि आप अगर डिटैच कर पाओ और कंप्लीटली अपने पे फोकस कर पाओ, तो आप दिमाग से वो लिंक ही काट सकते हो। यहां पे एक आता है परसेप्शन, देखने का नजरिया, आप उन लोगों को कैसे देखते हो। सकता है आप सराउंडेड हो ऐसे लोगों से जो आपसे फालतू बातें करते हैं, आपको कमरे में जाने में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है उनके साथ। आप हो सकता है कोवर्कर हो, कोई बॉस हो, कुछ स्कूल में तो कुछ लोग हैं आपके साथ, आपको एक स्विच डेवलप करना पड़ेगा इसमें अपने दिमाग में। वो बहुत ही सिंपल स्विच है कि जब भी वो आपको दिखें तो आप अपना दिमाग ऑफ कर दो। ये जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, ये इस इंसान की प्रॉब्लम है। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बोला हुआ है, चूज योर बैटल्स इन लाइफ। आपको अगर हर बैटल में आप एनरोल कर दोगे, तो इंपॉर्टेंट बैटल और अनइम्पॉर्टेंट बैटल्स में फर्क ही क्या रहेगा मेरे दोस्त? तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपनी लाइफ में, जो कि उस गधे या उस इंसान को जो तुम्हारे फालतू का स्ट्रेस दे रहा है उन्हें नहीं दिख रहा, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए तो भाई 5, 10, 15 या 20 मिनट का कुछ तुम्हारे साथ बीसी करें जिन्होंने करी वो निकल गए। तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो भी लेसे तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है अपनी लाइफ में, तो तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं शांति नहीं है अपने अंदर, तो दूसरे अगर कुछ कह रहे हैं आपको लगता है अगर ये ना कहें तो मेरी लाइफ में शांति आ जाएगी, ये एक अजम्पशन है। आपको शांति अपने अंदर खुद से ढूंढनी है। ये बहुत बड़ा टेस्ट है अगर आप अपने ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो आपको परेशानी, आपको स्ट्रेस देते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है उनके अराउंड, तो ये टेस्ट है इवॉल्व होने का। तुम्हें ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि किसी भी इन्वायरमेंट में कितना भी खराब हो तुम आराम से सर्वाइव कर पाओ। इसी को तो गेटिंग स्ट्रॉन्गर कहते हैं। अगर तुम वहां पर पिस जा रहे हो, पिट जा रहे हो, तो दोस्त तुम चेंज कैसे हुए? हमारी एक बहुत बड़ी आशा होती है जिंदगी से, हम हर चीज जगह पे कंफर्टेबल ही रहे, कंफर्ट रहे, प्रोटेक्टेड रहे, हम बस खुश रहे। खुश आपको अर्न करना भी सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है, कि आपको एक लेसन समझो, आपको हरामखोरी आपके अराउंड मिलेगी। हरामखोरी थोड़ा सा अलग वर्ड है, बट आप समझ सकते हो, बदतमीजी, ठीक है, आपसे लोग बेमतलब में पंगा लेंगे, आपका दिमाग खराब होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। जिंदगी में हर कोई इंसान जो आपके अंदर अराउंड सराउंडेड है वो अच्छा नहीं है। आपको कई बार होगा सिचुएशन, आपको पता चलेगा आपके अगल बगल आपके जो अपने दोस्त है वो खराब बातें कर रहे हैं आपके पीछे, वो इंसान जिस पर आपने ट्रस्ट किया था वो आपके पीछे कुछ कर रहा है। आप डील कैसे करोगे अगर आपको किसी भी इंसान की किसी भी तरह से हल्के से भी अनबनी, कॉन्फ्लिक्ट शब्द
जो भी वो बोल रहे हैं खराब, उनसे अगर इतना स्ट्रेस हो जा रहा है तो आप जिंदगी में डील कैसे करोगे बड़ी सिचुएशन से, बड़ी चीजों से, बड़ी प्रॉब्लम से? ये सोचो अपनी लाइफ में, आपको कठोर बनाना पड़ेगा। इसमें दो सोल्यूशन है सिंपल। पहला, आपको अपने अंदर खुशी ढूंढनी है, आप चाहे मेडिटेशन से ढूंढो, चाहे स्पिरिचुअलिटी से ढूंढो, चाहे अपने आप को जान के ढूंढो, चाहे अपनी प्रायोरिटीज लिखो अपनी जिंदगी में, सिंपल सी चीज लिखो, तीन ऐसे कैसे लोग हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हो सकता है आपके माता पिता हो, सकता है आपके भाई बहन हो, सकता है आपके दोस्त हो। इन तीन लोगों की अगर मेरे पे मुझे खुशी मिल रही, मुझे इनका प्यार मिला है, तो मेरी जिंदगी इनफ है, मुझे बाकी किसी समाज में किसी से प्यार नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं इस दुनिया में परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समाज से प्यार ढूंढ रहे हैं। भाई हमें इससे दोस्त से प्यार नहीं मिला, इससे प्यार नहीं मिला, हमारा बॉस हमें यू नो लाइक नहीं करता है। इतने सारे हमने लोग बना रखे हैं जो कि हमें कोई वो ही नहीं है उसमें कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस के आपको उन लोगों का प्यार मिलना चाहिए, बट आप एक्सपेक्ट करके बैठे और आपको छोड़ मारो, फिर करो स्ट्रेस हो रहा है मेरी लाइफ में यार, मुझे वो जो है मेरे से मेरे ऑफिस में उससे मेरी बनती नहीं, तो मैं किसने कहा बननी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। ये अननेसेसरी स्ट्रेस है सारे सोर्सेज जो है, तो आपको इनसे कट ऑफ करना है और आपको एक्चुअल में टेंजिबल, आपको रिलायबल सोर्सेस पे अपना जितना भी अप्रूवल या एक्सेप्टेंस है उसको उधर देना है। मुझे प्यार चाहिए, मैं अपने माँ बाप से प्यार ले लूंगा, मुझे अप्रूवल चाहिए, मेरे दोस्त हैं बैठे, मुझे अगर किसी का भी हामी चाहिए, प्यार चाहिए और साथ चाहिए तो वो ये लोग हैं। दुनिया में मुझे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप अपने आप पर रिलाई करना स्टार्ट करते हो, ऐसे आप एक केपेबल इंसान बनते हो जो कि मार्केट में या बाहर दुनिया में आप किसी ऑफिस स्पेस में या कॉलेज में या स्कूल में जाकर आराम से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि आप डिपेंड नहीं करो दूसरों पे, दूसरों के प्यार पे, दूसरों के अप्रूवल पे, दूसरों के हामी पे, दूसरों के साथ पे, दूसरों की दोस्ती पे। मिले ना मिले वो एक अलग चीज है, बट अगर ना मिले तो आप ये नहीं कि भाई मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं दिमाग खराब हो रहा है, मेरे जाने का मन नहीं करता। तुम्हारे को उस सबसे मतलब ही क्या था, तुम गए क्या थे वहां पे, गए क्यों हो, तुम करते क्या हो वहां पे, ऑब्जेक्टिव पे अपना नजर रखो ना, और अपनी खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो किसी भी तरह से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो अपने अंदर में, बैठो योगा करो, यू नो अपने आप को एनरोल करो, अपनी हॉबीज जानो, अपने इंटरेस्ट जानो, अपने अंदर देखो मैं हूं कौन, मेरे को क्या क्या चीजें पसंद है, उन चीजों में इन्वेस्ट करो। अगर हल्का सा पैसा है तो थोड़ा सा जाओ भाई अपनी हॉबीज में करो, कोई ज्वाइन करो, कोई कोर्सेज या कोई क्लासेस, अपने लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे आपको, बट आप अपनी जिंदगी अभी एक्सपेंड ही नहीं करते हो। आपकी खुशी है कमरे में बैठा रहा हूं मैं, कुछ ना करूं, और ऑफिस में भी कुछ ना हो, सब कुछ बढ़िया हो, ये जिंदगी नहीं है दोस्त। थोड़ा सा पैर चलाने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने तरह के लोगों से रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, ताकि तब जाके वो दोस्तियां बने। अगर आप ऑफिस में जाके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई जिन लोगों के साथ काम करें सब दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कॉलेज स्कूल कहीं कुछ नहीं होने वाला, आपको ढूंढना पड़ता है। साथ ही भी आपको अपनी जिंदगी में दोस्त भी ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे सही दोस्त जो आपको सही राय दिखाएंगे, फोकस्ड होंगे और आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में। हलवे पूड़ी की तरह नहीं मिल जाते, 10 रुपए लिया हलवा पूड़ी मिल गया रोटी किनारे पे, समझ रहे हो? तो अपने आप को समझो इन तीनों चीजों पर देख के। स्ट्रेस ऐसी चीज नहीं है, एक पॉइंट तक नेसेसरी है, उसके बाद अननेसेसरी इसलिए है क्योंकि आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते सर स्ट्रेस का सलूशन क्या है, स्ट्रेस का सलूशन कैसे हो सकता है कोई? स्ट्रेस जिस चीज से जनरेट हो रहा है, जिस चीज जो उसको क्रिएट कर रही है, वो है ना प्रॉब्लम, स्ट्रेस थोड़ी है प्रॉब्लम, तुम्हें उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पे आ गया भैया अननेसेसरी, मिलना नहीं मिलना बल लिए पड़े हैं, तो वहां पे आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी अटेंशन को अपने आप पे फोकस कर, अपनी अटेंशन को अपने आप में फोकस करना पड़ेगा। मेरी एक बात समझ लेना, जिंदगी में तुम कहीं भी एक जगह बैठने वाले नहीं हो जिंदगी भर के लिए, ज्यादा 1 साल के लिए अगर ऑफिस में हो, 2 साल के लिए हो, चलो ठीक है 3 साल के लिए हो, ठीक है उसके बाद अगर ना हो चेंज कर लो अपनी जॉब, अगर इतना ही परेशान हो अपना साथ फोड़ रहे हो। आप कॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा 4 साल के लिए होते हो, कोई भी जगह पे आप जिंदगी भर नहीं बैठा रहे, या तो वो निकल जाएंगे या तो आप निकल जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है निकलने का। तो एक चीज समझो, जिनसे आप स्ट्रेस ले रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, जिंदगी में आपके परमानेंट पार्ट भी नहीं है, एक टेम्पररी पार्ट है बहुत छोटे से, उसके लिए आओ जाओ अपने दिमाग खराब करो, कहो भाई तुम अपने खुद तुम्हारा जवान गंदी है, तुम्हारा दिमाग गंदा है, तुम अपना करो मेरा क्यों कर रहे हो, अपने दिमाग में एक चीज और रख लो, सिंपल से ट्यून कर लो भाई, फालतू लोगों से बकवास नहीं लेनी मुझे, मैं अपनी जिंदगी में जो कर रहा हूं मैं उसमें संतुष्ट हूं। क्लियरली तुम संतुष्ट नहीं हो, इसलिए तुम्हें दूसरे लोगों की बातें चुभ रही है, सिंपल सी बात ही है। तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, जिस दिन तुम लर्निंग स्टार्ट करो, जिस दिन अपने आपको कल्टीवेट करना स्टार्ट करोगे, अपने दिमाग को कल्टीवेट करना, अपनी पर्सनैलिटी को कल्टीवेट करना, उस दिन देखना तुम्हें दुनिया से फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट होगे, अपने आप से खुश होगे, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं कुछ प्रोडक्टिव करता हूं यार डेली। तुम जाओ भैया अपने मराओ, तुम जो बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को अप्रूवल देने काबिल हूं, मैं अपने आप को अप्रूवल दे रहा हूं। काम करते रहो दोस्त, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जाओ @मनसूत्रा, फॉलो करो भाई को, प्रॉब्लम भेजो अपनी, ठीक है दोस्त। और अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए मुझसे, तो नीचे ईमेल है talktomensutra@gmail.com, आपको नीचे कमेंट मिल जाएगा, वहां पे आप कर सकते हो, कंसल्टेशन मैंने चालू कर दिया। बाकी मेहनत करते रहे दोस्त, जय हिंद।